सारे के सारे छपड़ी यूट्यूबर एक साथ आ जाओ, एक साथ बजाऊंगा। एक मिनट रुको रुको रुको, बैंड वाला है सबकी एक साथ बजाएगा। मुझे पहले ये बता दे, तू कह रहा है सबकी एक साथ बजाऊंगा, छपरी यूट्यूबर, छपरी यूट्यूबर का नाम तो टैग कर दिया होता, कम से कम डिस्क्रिप्शन में नाम तो लिख दिया होता, तब ना कोई जाता छपरी यूट्यूबर कौन है। पहले तो ये मुंह से कमला पसंद निकाल के बोल, लगता है कोई धोबी घाट का कुत्ता है या धोबी है। तू कह रहा है कपड़े निकाल पहले, तू मतलब पहले रुक जाओ। क्या रुक जाओ, रुकना कहाँ है, स्टॉप लगा है, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, कुछ है। काली सी शकल की तेरी 3.5 फुट हाइट है, समझ में आ गई, तू रोस्ट मारेगी, तेरे ऊपर थू है थू। बोल तो ऐसे रहा जैसे तेरी हाइट तो 7 फुट हो और तू उमर मलिक हो, जैसे उमर मलिक की तरह इंडिया का सबसे हैंडसम आदमी हो, और थूके पान के बीच शकल के जैसे तेरे मुंह पे अच्छा कुमार कमला पसंद खा के भी ना थूक, विमल भी खा के ना थूके, ऐसी शकल है तेरी। और तेरी 8 फुट की, तेरी हाइट कितनी होगी, महज कितनी होगी, 2 फुट होगी, ज्यादा नहीं होगी। और रोस्टिंग किसे, रोस्ट किसे कहता है, तू रोस्ट करना आता भी है, बस ऐसे ऐसे करके होते, बस ऐसे ऐसे करके खुद्दी मारती हो गया भाई। सब कुछ दिख जाता है करने में, बोलने का लैंग्वेज, टाइटल, सब कुछ चाहिए होता, परफेक्टनेस से चाहिए होता, ऐसे ठोके कुछ भी बोल दो कुछ नहीं होता, ऐसे मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ऐसे ठोका ऐसे किया वो तो कोई बोल देगा छोटा बच्चा मुंह दे। वैसे हिंदुस्तान में इतनी सारी बहन बेटियां है, कोई गाली देती है तेरे को छोड़ के, तू गाली देते तेरे को शर्म नहीं आती क्या, तेरे माँ बाप ने तेरे को संस्कार नहीं दिया क्या, गाली देना किसको बोलते हैं, तू गाली देगी मेरे को। बड़ा हिंदुस्तान में 130 करोड़ आबादी है जिसमें से कई लड़कियों से डेली बलात्कार होता है, उसको तो कुछ नहीं, उसके पास तो लहजा होता नहीं, लौंड तो बेशरम होते हैं, लौंडो के पास तो कोई शर्म होती नहीं है। तू तो कैसे रहा जैसे कुछ है नहीं, तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी नहीं, बोल तो ऐसे रहा ना बेबी शून्य जनू मिल जाए ना मिल जाए तो रंडी है वो, और गाली दे रही तो गलत है, नहीं रंडी है वो, सही है, ऐसा करो तो भी गलत, ना करो तो भी गलत है। यहाँ पे उसने जो किया सही है, एक तरफ से मेरे देखने से कोई गलत नहीं कर रही है, वो सही कर रही है। अमित बढ़ाना के साथ मेरी कोई लड़ाई है, मेरी लड़ाई खाली इन रोस्टर के साथ है, और कोई सा बीच में हम जाना, इस बार बहुत तगड़ा मामला हो जाएगा, नहीं तो आचार की दुकान पे जाएगा या खोपचार की दुकान पे जाएगा कुछ कंप्लेन कराने मेरी, या किसी के भी जाके दिखा दे, हो तो करके दिखाओ, कितने है तुम्हारे पास, कुछ भी है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट है ना कोई बोलने का लहजा, बस ठोका हो गया, सुअर जैसे बाल है, करली बाल भी नहीं है, और एक तरफ मुर्गे कट वाली बाल रख के ऐसे ऐसे करके सब कुछ ऐसे कर, तो ऐसे रहा जैसे सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तो चूतिया बैठा है, फालतू वेल्ला बैठा है ना। मिनाटी को बोला था, उसकी हिम्मत क्या हो गई, आप लोगों ने उनको नहीं बोला, तू क्यों उसको परोश कर रहा है, क्यों उसको बोल रहा है, मैं इस बार कपड़े तार दूंगा एक-एक। यार भाई सुन, कैरी मिनाटी की जितनी अर्निंग है तू सोच नहीं सकता, तेरे सपने में उतनी अर्निंग कभी नहीं आएगी। और ये कैरी मिनाटी का नाम लेना छोड़ दे, कैरी मिनाटी रोस्ट करता तो कुछ अच्छे तरीके से करता है, कुछ अच्छे लोगों को करता है, जैसा कि उसका काम एंटरटेनमेंट करवाना, तेरा काम क्या है भाई, झांटे ना छूची बातें ऊंची ऊंची, मुझे तो कुछ ऐसा ही फील होता है तुझे देख के। और कपड़े उतारेगा क्या, धोबी है कपड़े उतार के धोएगा हम लोगों के, रोस्टर करवा से नहीं, वो सब कुछ है उसके पास यार, उसके 40 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो एक झांटे उकाड़ के फेंक देना तेरा चैनल वैसे ही बंद हो जाएगा, अगर उस पर झांटे तक फेंके तेरा चैनल वैसे ही बंद हो जाएगा, सोच ले मेरा चैनल क्या है उसके सामने, तेरा चैनल में कुछ नहीं है भाई, 40 मिलियन कुछ मायने रखता है, 1-2 मिलियन नहीं है, 40 मिलियन है। कॉल का बात सुनियो, कैरी मिनाटी तेरे को भी बोल रहा हूँ, और जो ये लड़की है ना, जा पालिका बाजार, 150 रुपए की तेरी औकात है, 150-150 रुपए में तू वहां पर सैंडल खरीदती है, 150-150 रुपए में तू वहां पर कपड़े खरीदती है, तू मेरे को बताएगी क्या, जो ये जैकेट पहन रहा हूँ ना, जो ये जैकेट पहन रहा हूँ तेरे पूरे घर की सैलरी नहीं होगी जितने की ये जैकेट है, समझ में आ गई, अगली बार गाली मत दे दे। सुन यार भाई, ये जो कैरी मिनाटी का बार बार नाम ले रहा, मैंने कहा एक झांटे उखाड़ के फेंकेगा तेरा चैनल वैसे ही गिर जाएगा, बंद हो जाएगा, मेरी भी कोई चैनल की रिस्पेक्ट नहीं है उसके सामने, मैं तो बस बोल दे रहा हूँ, और जो उस पर आरोप लगा रहा है सोच ले, वो एड से जितना उन लोग को मिल जाता है वो तेरी टी शर्ट के, तेरी पूरी घर की कमाई नहीं होगी एक महीने की, इतना वो लोग पहन लेते हैं खा लेते हैं, और तो सोचता है कि मेरी ये जैकेट नहीं है वैसा हुडी होती है, तो डेनी या तो टी शर्ट कह सकता है या तो हुडी कह सकता है, पहले जब बोलने का ढंग ना हो तो हर जगह टांग नहीं फटे मोजे में घुसेड़नी चाहिए। अगली बार गाली मत दे दिए वीडियो के अंदर, तेरे को बोल रहा हूँ, इस बार लड़की समझ कर माफ कर दी, वरना जो दीहू मोन्ची का ना, यो तेरा बंदा है, ये भी नहीं आएगा तेरी सपोर्ट में, इस खस्सी। उसने गाली दी तो बहुत सही है, गाली तो सुनने लायक काम ही कोई करता, जो जिस लायक काम करे उस लायक गाली सुनने को उसे मिलेगा,
एकदम अच्छा काम करते हैं गाली देके, और तू धीरू मौंची को बीच में क्यों ला रहा है? उसका बंदा उसका जो भी, उससे क्या मतलब है? तेरे से नहीं पट रही तो तू बता देना, नहीं पट रही है, रोस्ट क्यों कर रहा है? तू नहीं कर रोस्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है तू? इसे ही तो रोस्ट कहते हैं, किसी के प्रति बोलना। मैंने तुझे बोला ये तो रोस्ट हो गया ना, अब मैं तेरे प्रति बोलू तो उसके प्रति बोलता तो ये रोस्ट ही है पूरा। और क्या कर रहा है तू? ये ऐसे ऐसे करके बंद कर दे वाला, ये उंगली टेढ़ी हो सकती है भाई कहीं भी। अब इसके आगे मैं, ओ चश्मे तेरे अंदर हिम्मत नहीं बची, तू इनको भेजेगा, आ जा आमने सामने, आमने सामने आ जा। 2020 में भूल गए आजा, बहुत डिस्ट्रैक्ट निकाल रहा था, बहुत रोस्ट कर रहा था, अब आजी आमने सामने, तेरा करियर खत्म कर दूंगा कह के, समझ में आ गई? वो टिकटॉक था, अरे वो थारा भाई। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ यार, अगर उसने एक झांटे उखाड़ के फेंक दी तेरा चैनल वैसे ही बंद हो जाएगा। और उसके 40 मिलियन सब्सक्राइबर यार पूरे चैनल पे, 30 मिलियन एक पे, 10 मिलियन एक पे, तो क्या उससे तू पंगा ले रहा है यार? चश्मा उसका जितना महंगा उतना महंगा तूने सोचा नहीं होगा, इमेजिन नहीं कर सकता उसका चश्मा कितना महंगा है। ब्लू कट शीशा लगा है, ब्लू कट जो कि सिर्फ 1000 का शीशा मिलता है, उसके बाद फ्रेम जितने का हो भाई, उस जितने का पहन लेता है, जितने का ऐड करके कमा लेता भाई, तू सोचा नहीं होगा तेरी एक साल के घर की कमाई नहीं होगी वो, जो ऐसे ऐसे करके कमाता है ना तू, कुछ नहीं कर पाएगा उसका। और रोस्टर तो उसके पीछे पड़ी ना यार, उसके बहुत फैन फॉलोइंग है, अगर उसने किसी भी तरीके से तेरे चैनल पे स्ट्राइक डाल दिया तेरा चैनल वैसे ही बंद हो जाए।